दोस्तों यदि आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप गूगल पे में डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड को सेव कर सकते हैं और उसके माध्यम से ही कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यदि आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो भी आप यहां पर गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो हम किस तरीका से गूगल पे में डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड को सेव करेंगे, इसके माध्यम से किस तरीका से पेमेंट करेंगे, चलिए आपको कंप्लीट डिटेल में दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप गूगल पे को अपडेट कर लीजिए। हमने देखिए अपडेट कर लिया है। चलिए अब हम गूगल पे को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर में है प्रोफाइल का आइकॉन, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर चलिए क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बैंक अकाउंट, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड। तो यहाँ पर क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड को ऐड करने से पहले आपको यहाँ पर जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन से बैंक का कार्ड आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके पास एक्सिस बैंक का वीजा क्रेडिट कार्ड है या फिर वीजा डेबिट कार्ड है या फिर मास्टर कार्ड का क्रेडिट कार्ड है या फिर मास्टर कार्ड का डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पर गूगल पे में इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वीजा क्रेडिट कार्ड है, वीजा डेबिट कार्ड है या फिर मास्टर कार्ड का क्रेडिट कार्ड है या फिर मास्टर कार्ड का डेबिट कार्ड है तो आप यहां पर गूगल पे में इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका बैंक अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है तो कोटक महिंद्रा बैंक का वीजा क्रेडिट कार्ड या फिर वीजा का डेबिट कार्ड को इसमें लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास HDFC बैंक का वीजा का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है, मास्टर कार्ड का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आप यहां पर गूगल पे में इसको लिंक कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास इंडसइंड बैंक का डेबिट कार्ड, वीजा का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है या फिर मास्टर कार्ड का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आप यहां पर इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास फेडरल बैंक का वीजा डेबिट कार्ड है या फिर मास्टर कार्ड का क्रेडिट कार्ड है या मास्टर कार्ड का डेबिट कार्ड है तो आप यहां पर इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपका बैंक अकाउंट RBL बैंक में है और इसका आपके पास मास्टर कार्ड का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए RBL बैंक का वीजा का यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास HSBC बैंक का वीजा क्रेडिट कार्ड है या मास्टर कार्ड है तो आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। ICICI बैंक का मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड है या फिर मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड है या फिर वीजा का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। वन कार्ड का यदि आपके पास वीजा क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि कौन से बैंक का आप गूगल पे के साथ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को ऐड करने के लिए आप यहाँ पर ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कैमरा चालू हो गया, तो जो भी कार्ड को आप लिंक करना चाहते हैं आप यहाँ पर इसके सामने में रखेंगे तो वह ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा, या फिर आप यहाँ पर इंटर डिटेल्स मैनुअली पर क्लिक करके भी यहाँ पर कार्ड का डिटेल को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड है, हम इसको ऐड करना चाहते हैं। जैसे ही आप कैमरा को डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के सामने में रखेंगे, यहाँ पर देखिए कार्ड का डिटेल यह फैच कर लिया है, जैसे कि कार्ड नंबर, यहाँ पर कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर फिलअप करना है, यहाँ पर आपको CVV नंबर फिलअप करना है जो कि कार्ड के पीछे में 3 अक्षर का लिखा रहता है। इसके बाद यहाँ पर है बिलिंग एड्रेस, तो यहाँ पर आपको एड्रेस फिलअप करना है जो भी आपका एड्रेस है। इसके बाद आप सेव पर क्लिक कर लेंगे। यदि आपका यहाँ पर कार्ड का डिटेल फैच नहीं होता है तो फिर आप मैनुअली भी इसमें इंटर कर सकते हैं। इसके लिए आप यहां पर ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहां पर इंटर डिटेल्स मैनुअली लिखा गया है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहां पर आप अपना कार्ड नंबर फिलअप कर लेंगे जो भी कार्ड को आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। कार्ड का डिटेल फिलअप करने के बाद यहां पर कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहां पर कार्ड का CVV नंबर फिलअप कर लेंगे जो कि ATM कार्ड के पीछे में 3 अक्षर का लिखा हुआ रहता है। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको एड्रेस फिलअप करने के लिए आ जाएगा, तो आप यहाँ पर अपना नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस फिलअप कर लेना है जो भी आपका एड्रेस है। इसके बाद आप यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे में आपको मोबाइल नंबर भी फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक के साथ कनेक्ट हो रहा है,
इसके बाद आप यहाँ पर नीचे इस तरीका से स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कार्ड को वेरीफाई किया जा रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया है वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप दो तरीका से वेरीफाई कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आपके बैंक अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आप मैसेज ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है यहाँ पर कॉल योर बैंक, तो आप यहाँ पर बैंक को कॉल भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से यस कर लीजिए या फिर नो कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर यस कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक कि मोबाइल नंबर पर OTP आता है। अब यहाँ पर देखिए आ गया इंटर वेरिफिकेशन कोड, तो यहाँ पर कोड आने का हम वेट कर लेते हैं। चलिए मेरे पास कोड आ चुका है, तो हम यहाँ पर कोड फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए NFC के बारे में बताया गया है कि आप लोग POS मशीन पर अपने मोबाइल के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है टर्न ऑन NFC टू पे इन शॉप। चलिए इसके बाद आप टर्न ऑन NFC पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको सेटिंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कार्ड एडेड हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं यह कार्ड एड हो चुका है। अब आप लोग मोबाइल के माध्यम से कहीं भी बिना इंटरनेट के POS मशीन पर पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर बैक हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको हम बिना इंटरनेट का गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करके दिखाते हैं, जिसको हम यहाँ से इंटरनेट को ऑफ कर देते हैं। दोस्तों दुकान पर या फिर पेट्रोल पंप पर आप लोग इस तरह का POS मशीन देखे होंगे। आप POS मशीन पर गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपका मोबाइल NFC सपोर्टेड होना चाहिए, तभी आप यहां पर पेमेंट कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों आप POS मशीन के माध्यम से पेमेंट करने के लिए POS मशीन में इंटर बटन को दबाएंगे। इसके बाद आप यहां पर देखिए लिखा है एक नंबर सेल, तो आपको यहां पर एक दबाना है। अब यहां पर आपको अमाउंट टाइप कर लेना है, कितना अमाउंट आप पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें 20 रुपये पेमेंट करना है, हमने यहाँ पर 20 टाइप कर लिया है। इसके बाद 00 कर देते हैं। इसके बाद आप यहां पर इंटर बटन को दबाएंगे। अब इसके नज़दीक आप अपना मोबाइल ले जाएंगे इस तरीका से। यहां पर देख सकते हैं कनेक्टिंग हो रहा है और यहां पर आपका जो कार्ड सेव है वह भी शो कर रहा है। और यह देखिए पेमेंट हो चुका है। अब यहां पर पेमेंट करने के बाद यदि आप पेमेंट का पर्ची लेना चाहते हैं तो आप यहां पर एक दबाएंगे। यहां पर देख सकते हैं इस तरीका से आपको पेमेंट का रिसीव भी मिल जाएगा। चलिए इसको हम यहाँ से फाड़ लेंगे। यहाँ पर दो कॉपी प्रिंट होता है, एक तो आपके पास रहेगा, दूसरा यहाँ पर जिसको आपने पेमेंट किया है उसके पास रहेगा। चलिए इसके बाद आप फिर से यहाँ पर इंटर बटन को दबाएंगे, तो इस तरीका से दो कॉपी या प्रिंट हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यह पेमेंट जो हमने 20 रुपये का किया था यह पेमेंट हो चुका है। तो इस तरीका से आप लोग गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दें, जब आप यहाँ पर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट नहीं कर रहे तो इसको आप ऑफ करके रखिए। इसके लिए आप इस तरीका से स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है NFC, आप इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर यदि पेमेंट नहीं हो पाता है, पेमेंट फेल हो जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि जो भी बैंक का आपने गूगल पे ऐप में कार्ड को ऐड किया है उस बैंक के कार्ड के कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का इनेबल होना जरूरी है। तो किस तरीका से आप कार्ड में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को इनेबल करेंगे, हर एक बैंक के कार्ड का कॉन्टैक्टलेस पेमेंट इनेबल करने के लिए बताया हुआ है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।